जी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रश्मि विशिष्ट मैम ने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रश्मि विशिष्ट मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। जी तो स्टार्ट करते हैं आज की वीसी। ओवर टू यू मैम। मैं विजिबल नहीं दिख अभी रही तो हूँ? नहीं हो रहे हो। नहीं, अभी नहीं दिखाई दे, अभी आ गया। जी मैम। अभी आ गया। ठीक है ठीक है। ओके ओके। हाय एवरीवन। सो आई होप एवरीवन एंजॉयड द केस। मन में जब बताशे फूटे यही फोड़ दो सामने सामने। यस डॉक्टर्स। या एक बार केस का जिस्ट बता दीजिए मैम, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, केस ऐसा है कि ये एक 60-year-old मैन है और ये अपनी फैमिली के साथ में एक अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं और वहाँ उन्होंने एक तेज बहते हुए पानी के चैनल में अपनी वाइफ को साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश की। वाइफ डर के मारे फ्रीज थी, ये गिर गए। गिर गए तो इनका जो रिएक्शन था वो ये था कि ये खुद से नहीं उठे। फिर जो टीम आई दौड़ी दौड़ी, वहीं पे जो रहती है रेस्क्यू टीम, वो इन्हें लेके गई, उठा के लेके गई और वो सारा दिन वहां उनका जो भी इंतजाम था बेड पे आराम से लेटे रहे। शाम तक उन्होंने कहीं जाने की कुछ कोई कोई हिमाकत नहीं की, कोई क्या बोलते हैं ना, कोई एक्टिविटी नहीं की। अम्यूजमेंट पार्क में आए हो, जनरली कैसे होता है ना, 5-10 मिनट आप आराम करते हो फिर वापस खेलने कूदने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। व्हाट ही सेड कि बहुत ही पेन है, बहुत ही पेन है एंड ही इज नॉट एबल टू मूव। तो शाम को जब आए तब मेरे पास फोन आया और जब मेरे पास फोन आया तो जैसे कि हम पूछते हैं होम्योपैथ क्वेश्चन पूछते हैं ना, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैंने भी पूछा लेकिन यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं था। तो जवाब शायद इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव आए हुए थे साथ में। तो मैंने भी सिचुएशन को समझते हुए आई प्रिस्क्राइब, क्योंकि सुबह से काफी टाइम हो चुका था और वो दवाई के लिए रुके भी हुए थे, तो दे दी मैंने। उसके बाद आगे क्या हुआ दैट वी आई विल फर्दर डिस्कस जैसे जैसे केस डेवलप होगा। बट मेरी आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हमारी फर्स्ट अप्रोच इस केस में क्या होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिस्क्रिप्शन, बट हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है एंड हाउ वी कैन यूज दिस लिमिटेड डेटा वेरी नाइसली एंड वेरी क्लेवरली, हमें कैसे यूज करना है। तो प्लीज, ये एज यूजुअल दिस हैज टू बी इंटरैक्टिव सेशन। तो किस किस मैंने पढ़े, सभी का पढ़ा, काफी कुछ पढ़ा मैंने। बट देखो ये इंजरी का केस है, क्लिनिक में इंजरी का केस आया हुआ है अपने पास, तो व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट, पहला काम अपने को क्या करना है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन व्हेन अ इंजरी केस इज कमिंग टू द ओपीडी। ये तो फोन पे सॉल्व हो रहे हैं अपने केस, वी आर वेरी लकी कि हम सॉल्व कर लेते हैं, बट इफ वी आर इन ओपीडी एंड एन इंजरी केस इज कमिंग, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय अस एज अ मेडिको। स्टार्ट इंटरेक्टिंग फास्ट, सेशन वास्ट है, जी बताइए कुछ प्लीज, इंपॉर्टेंट जल्दी कवर जल्दी ऐड करूंगी कीजिए। और क्लिक अच्छा कवर करूंगी, आप लोगों को भी बहुत अच्छा मिले वो मेरी कोशिश रहती है। क्लिनिकल असेसमेंट इम्पोर्टेंट है मैडम। यस सर, क्लिनिकल असेसमेंट इनको क्या भी क्या क्लिन, हाँ इनको जी इनको सर बोलिए एक्चुअली इंजरी कहा हुआ था मैम, वेदर इट जी। चेस्ट नहीं सर आप एब्डोमेन। बताइए ना, वही तो मैंने फोटो डाला है ना सर। नहीं वो प्रवीण सर, आप प्रवीण सर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आप, वो जो डाला हुआ है ग्रुप में, जो फोटो डाला है जी उसे मैं स्क्रीन करता शेयर हूँ। करेंगे। और जी सर मैं जी आगे भी आपको व्हाट्सएप पे या इधर ग्रुप में ही शेयर करूंगी, आप उसको भी स्क्रीन शेयर कीजिएगा जब मैं समझाऊंगी तब। पहले तो मेडिको लीगल केस बनता है ना, इसमें ईमेल से इन्फॉर्म करना जरूरी है। हाँ अपने को अपना पार्ट बताइए, अपने को सबसे पहले क्या देखना है उसमें। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा क्लिनिकल, तो क्लिनिकली अपने हाथ में क्या दिख रहा है हमारे पास, व्हाट इज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
मेरे पास तो ये खैर नहीं था, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फोटो भी नहीं था तब, मैंने तो सुन के ही मतलब विजुअल पिक्चर माइंड में चल रहा था, वर्चुअली किया है। बट क्या आना चाहिए, पॉइंट इज पहला थॉट क्या आना चाहिए, अपने पास इतना ही डेटा है। प्रवीण सर अभी स्क्रीन शेयर करेंगे तो विल सी कि वो क्या है। हमारे पास टेक्स्ट में बहुत डेटा नहीं है, देखा मैंने, सबने बहुत डिल्यूजन 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 उठाए, बट डिल्यूजन उठाने के लिए अपने पास डेटा है क्या? पेशेंट बोल रहा है क्या कुछ कि हम डिल्यूजन उठा लें? थोड़ा अलग इसलिए दिया है क्योंकि बहुत रूटीन में देखे मैंने केसेस, बट अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे? व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी द अप्रोच? क्लिनिकल असेसमेंट में अपने को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? डॉक्टर्स प्लीज स्पीक आउट, सबने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए है ना? फोटो क्या चीज का है, कौन सा साइट मेंशन्ड है? आप नहीं बोलेंगे तो फ्रूटफुल लेक्चर नहीं है, वही गाना वापस से, सेम म्यूजिक ऑन, फिर से बोलो भाई। कहीं से भी लाइट नहीं आ रहा है। जी प्लीज ऐड कीजिए। देखो बोलो, मुझे तो केस समझ में आ गया भैया, मेरे लिए नहीं है ये लेक्चर, मेरा काम खत्म हो चुका है ये लेवल पे, आपके लिए ये बोलिए। मैम मेरे क्लिनिक पे अगर ऐसी इंजरी लेके पेशेंट आता तो मैं पहले आर्निका दे देती। जी मैम, थैंक यू। तो मैम पेशेंट को मैं बताती हूँ, पेशेंट वॉज कैरिंग आर्निका इन हिज पॉकेट, क्योंकि वो अम्यूजमेंट पार्क गया था ना, आर्निका लेके अच्छा, गया था वो। उनकी इंजुरी स्प्रेन एंसरिंग एवर्जन टू एंसर जी इसको लेके। ठीक है, जी दूसरा सोचिए। नहीं दूसरा मत सोचो, क्योंकि मेरे माइंड में भी आर्निका ही था मैम, आर्निका मेरे माइंड में था। सोचो, डाइवर्ट करने नहीं बोल रही, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पूछ रही हूँ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कायदे से पहला काम क्या करना है अपने को? वो तो पता है अपन सब धुरंधर हैं, अपन धड़ाम से अर्जुन का तीर मार देते हैं, लेकिन कायदे से अपने को क्या करना चाहिए? इंजरी का केस आया है, व्हाट शुड बी द मेथोडिकल अप्रोच? फास्ट इंक्वायरी करते हैं ना अपन। करेंगे, हाँ जी, तो क्या इंक्वायरी, अपने को क्या क्या अवेलेबल है इंक्वायरी में? अपने को सब अवेलेबल है, जो जो उसमें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर? प्रवीण सर स्क्रीन शेयर हो गया है? बस एक सेकेंड दीजिए। जी सर, सॉरी सर, आपने आपको परेशान करते हैं अभी हम लोग। हाँ मैम, अपने आप गिरे यस, हैं, किसी का धक्का लगा या किसी ने गिराया है, हाँ इंजरी कैसे शाबाश, हुई है? ये तो इंटरेक्शन पार्ट हो गया, दिस इज इंटरेक्शन पार्ट। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ क्लिनिकल केस असेसमेंट? गिरे तो जब गिरे तब कॉन्शियस थे कि नहीं थे? चक्कर वगैरह आई थी क्या? ये अगेन इंटरेक्टिव हो गया मैम, देयर इज समथिंग प्रायर टू इट। पहला चीज हम क्या देखते हैं जब पेशेंट क्लिनिक में वॉक इन करता है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी सी इन अ पेशेंट? फ्रैक्चर वगैरह है कि ब्लीडिंग कुछ हो रहा है? इंजरी कितनी डीप है?
मैनेज हो जाएगा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? हाँ हॉस्पिटलाइज तो वही कर देते ना, करना पड़ता तो अपने पास क्यों आता पहले ना। पहले अपने पास आते हैं ना कंसल्ट के लिए नहीं बट एज ए वो तो फैमिली डॉक्टर। अम्यूजमेंट पार्क में एक सुबह गिरे है ना, केस शाम को आया है, हाँ नहीं, एज ए इतना मैं टाइम बोल रही रुकेगा हूँ कोई। नहीं, सुबह अवेलेबल हो आपके क्लिनिक पे, अगर हम सुबह अवेलेबल है अपने पास आएंगे ना पहले फैमिली डॉक्टर के पास। हाँ बट अम्यूजमेंट पार्क में मैम इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि वो पेशेंट शाम तक अम्यूजमेंट पार्क में रहा, वहीं के उनका इमरजेंसी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट एड वार्ड में, बेड में, हाँ बेड में रहा वो वहां पे। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है करेक्ट। ये पेशेंट ने रिकवरी के बाद भेजा हुआ, उसने व्हाइट चीज से सर्कल करके भेजा मुझे, मैंने उसको बोला था मार्कर यूज करना। तो ये क्या पोर्शन है? व्हाट इज सी द फर्स्ट थिंग व्हेन अ पेशेंट ऑफ इंजरी कम्स टू द क्लिनिक, फर्स्ट थिंग इज लोकेशन, चीफ कंप्लेंट लोकेशन, राइट करेक्ट। वी नेवर जंप डायरेक्टली टू सेंसेशन और मोडालिटी, फर्स्ट वी सी वेयर क्राइम हुआ है, कहाँ हुआ है, व्हाट इज द प्लेस, मुझसे कितनी दूर पे हुआ है, मैं कितने टाइम में यहाँ पहुंच सकता हूँ, ऐसे दिमाग चलता है ना। कहाँ हुआ है, लोकेशन क्या, व्हाट इज दिस लोकेशन, लेफ्ट साइडेड क्या है ये, पेशेंट ने अपना आर्म ऊपर उठा रखा है और इस पोर्शन को सर्कल किया हुआ है, कौन सा पोर्शन है, चोट कहाँ लगी है, एक्जिला, एक्जिला ऊपर है। अच्छा क्यों हमें जानना है लोकेशन, क्या जरूरत है, लोकेशन क्यों जाननी है, लोकेशन जानने से क्या, कौन सा तीर लग जाएगा, नर्व इंजरी पता चले। नर्व इंजरी पता चले, क्यों पता लगानी है अपने को नर्व इंजरी, क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा, तो अगर नर्व डैमेज है तो रिफ्लेक्सेस बंद हो गए उसका, वो ठीक देख है, सकते। वन वन फ्रैगमेंट ऑफ एंटायर क्लू, ओके, वन फ्रैगमेंट ऑफ दिस, आगे ये लोकेशन बताओ मुझे, ये लोकेशन क्या है, आपको तो मैं विजुअल के साथ दे रही हूँ, मेरे पास तो विजुअल भी नहीं था, लेमैन क्राउड था, अपने तरीके से बता रहे थे। क्या लोकेशन है ये डॉक्टर्स, व्हाट इज दिस लोकेशन, व्हाट इज द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड आर्म है क्या मैम? जी सर, जी आर्म, मैम, लैटरल साइड ऑफ आर्म। नहीं, ये आम नहीं है, आप इसको बड़ा करके, आप ग्रुप में देखिएगा इसको बड़ा करके, ये आम, ये एक्जिला है, पेशेंट ने अपना आम ऊपर उठा रखा है, आप ग्रुप में बड़ा फोटो देखिए, आगे पेट है, पीछे बैक है, और ये उसके मिड का पोर्शन है, व्हाट इज दिस पोर्शन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल डायफ्राम, एनाटॉमिकल क्वेश्चन। हाँ जी, डायफ्राम मैम। डायफ्राम, पार्टली राइट, डायफ्राम विच पार्ट, पार्टली राइट, नॉट नॉट टू द मार्क, ये बैक है क्या, इतना आंसर दो, ये बैक है थोड़ा क्या। हाँ जी डॉक्टर लकेश थोड़ा बोलिए, मैथोडिक्स सर आवाज ही को रहा है, मैम, थोरेक्स। थोरेक्स, वेरी वेरी नियर, शाबाश, व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म हाँ फॉर इट, व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म फॉर दिस, इस लोकेशन का नाम क्या है, थोरेक्स, वेरी वेरी नियर, बट क्या ये थोरैक्स है, इज इट प्रॉपर थोरैक्स, इज इट प्रॉपर थोरैक्स, नो मैम, प्रॉपर थोरेक्स नहीं। नो इट इज नॉट थोरैक्स, व्हाट इज इट, करने में क्या मैम? इमेज नहीं दिख रहा क्या बेटा, सामने देखो एब्डोमेन है और पीछे बैक है, ये उसका मिड पोर्शन है, बंदे ने ऐसा हाथ उठा रखा है, ऐसा, आई विल शो यू दिस दिस पार्ट, उसके मिड पीछे का, एक्जिलरी मेरे लाइन, स्कैपुलर रीजन के पीछे का, मिड एक्सिलरी लाइन के पीछे का पार्ट है ये, टुवर्ड्स बैक, आया समझ में, क्या बोलेंगे अच्छा इस अच्छा पोर्शन को, क्या बोलेंगे,
इस पोर्शन स्कैपुलर को क्या जो, बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोलेंगे? स्कैपुलर स्कैपुलर मैम फ्लैंक्स रीजन है। हाँ नहीं, पायल, फ्लैंक्स कुछ तो। फ्लैंक्स कुछ तो बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, फ्लैंक्स बोलते हैं। और वेरी गुड, इंटरकोस्टल रीजन। यस, दिस इज द आंसर। डॉक्टर प्रतिमा, यस मैम। डॉक्टर प्रतिमा, वेरी गुड। दिस इज थोरासिक केज एंड द इंजरी रिसीव्ड इज इंटरकोस्टल। क्या, व्हाट? इंटरकोस्टल व्हाट भाई, फास्ट बोलो, अपन ने बहुत बड़ा ये उठाया है आज। इंटरकोस्टल व्हाट? रिप्स। इंटरकोस्टल मस्कुलर, ठीक है, इंटरकोस्टल मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। दिस कम्स अंडर मस्कुलोस्केलेटल इंजरी। ओके, दिस इज अ केस ऑफ, सो फर्स्ट थिंग वी विल राइट इन आर नोट्स इज, दिस इज अ केस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरी वेयर अ थोरासिक रिब केज इज इन्वॉल्व एंड द इंजरी एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉलम, टुवर्ड्स द बैक। एंटीरियर की तरफ इंजरी आई हुई है क्या? इंजरी आगे की तरफ आई हुई है क्या? नो नो, जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लामेशन है, वो टूवर्ड्स बैक आई हुई है, लेकिन उसका इफेक्ट फ्रंट में आया हुआ है। ठीक है, व्हाई व्हाई? चलो, इस रीजन का अब थोड़ा एनाटॉमिकल डिसेक्शन करते हैं। तो व्हाट ऑल थिंग्स यू फाइंड इन दिस रीजन? ये रीजन हमारे लिए क्यों? देखो, यही डेटा अवेलेबल है अपने सामने। जो नाराज हो रहे हैं कि डॉक्टर ने कुछ लिखा नहीं है, तो आप हो जाए नाराज, लेकिन दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज व्हाट द माइंड इज। यही माइंड है, ये इस इंजरी का माइंड है, ये इस केस का माइंड है। कौन सा? ये पिक्चर, दिस पिक्चर इज द माइंड। हमें जो भी एंट्री लेनी है, इस माइंड से अपने को इससे रेपर्टराइज करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इंटू रूब्रिक, क्योंकि यही है अपने पास। अरे, आपके पास कम से कम ये है, मेरे पास ये भी नहीं था। आर यू ऑल विद मी? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं? हेलो, यस मैम। बोर हो रहा है तो टॉपिक शॉर्ट में करती हूँ, अगर समझना है तो आगे कंटिन्यू करती हूँ। समझना है, समझना है। यस समझना है ना, काम की चीज है ना। मैम। चलो समझते हैं अभी। अच्छा, तो मुझे अभी ये बताओ कि इसमें आपको एनेटॉमिकली क्या क्या चीजें इस एरिया में दिखाई देंगी, क्योंकि अपने पास और कोई रास्ता हेलो, तो है नहीं। हाँ जी, यस सर। एक्सरे करवाया था इसका? एक्सरे, अरे, काहे का एक्सरे सर? एक्सरे नहीं, कुछ एसपीओ2 नहीं, क्यों नहीं मैडम? क्यों कुछ नहीं। कहाँ टाइम है सर? शाम को फोन आया है मेरे पास, सुबह गाड़ी है, शाम को फोन आया है, रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई है घर में। नहीं मैडम, अगर ये एमएलसी केस है, उसको निमोथोरैक्स है, हिमोथोरैक्स होता है, हाउ टू रूल आउट? नहीं, वो सब ठीक है, हाउ टू रूल आउट वो सेकेंडरी। अभी तो फर्स्ट फर्स्ट ऑन फर्स्ट केस, केस अभी आया है, फोन आया है, फोन आया है, फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, वो सब सेकेंडरी है सर। न्यूमोथोरैक्स वोरैक्स वो तो फिर डायरेक्टली वहीं से फैमिली एडमिट करा देती ना, तो फैमिली को कैसा पता अपन चलेगा थोड़ी बाहर थे। से? न्यूमोथोरैक्स का केस, चलो लेटर सीट न्यूमोथोरैक्स है, तो आप न्यूमोथोरैक्स ट्रीट नहीं करते सर? ट्रीट करते हैं मैम, हाँ, फिर स्टेप बाय अगर स्टेप जाते हैं इंसिडेंस ना सर, एमएलसी। डायरेक्ट न्यूमोथोरेक्स पे जंप मारेंगे? अभी तो पहले तो लोकेशन पे ही आए हैं कि ये लोकेशन है, आप आगे नेक्स्ट हाँ ये मैडम, थोड़ी कर रिब्स जाइए, है स्टेप यहाँ बाय पर, स्टेप जाइए। मैं वही तो बोल रहा हूँ। रिब्स है, पैरेन्काइमा, लंग पैरेन्काइमा, इंजुरी टिश्यू, अच्छा, लंग्स आप को क्या टिश्यू, पूछेंगे पेशेंट से? आप क्या फैमिली वालों से क्या पूछेंगे? वही हाउ दिस ऑब्वियसली हैपन। न्यूमोथोरैक्स है कि नहीं है, फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ, ये रूल आउट करेंगे ना। पेशेंट शाम तक रुक गया है, पेशेंट अगर फैमिली अपने को परेशान नहीं दिख रही है, तो दैट मींस इट इज नॉट एन इमरजेंसी। नहीं तो वो इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क का जो टीम है, मेडिकल टीम, वही एडमिट करा था ना हाथ की हाथ, वो तो नहीं रखेंगे शाम तक अपने बेड में इतना इमरजेंसी पेशेंट, रखेंगे क्या शाम तक? नहीं रख नहीं लेंगे वही तो मैं मेडिकल सोच टीम? रहा हूँ। नहीं
नहीं रख सकते नहीं रखेंगे ना, तो इसका मतलब देखो क्लिनिकली असेसमेंट पे पॉइंट पे है हम, आपका पॉइंट करेक्ट है कि न्यूमोथोरेक्स है, अपने को यहाँ भेजना चाहिए, हाँ बिल्कुल भेजना चाहिए, लेकिन नहीं भेजा गया है, नहीं भेजा गया है मतलब पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है, वो तो ताबड़ तो वो तो हो जाता है जहाँ पे क्लिनिकली कंडीशन सामने दिखाई देती है, और फोन केस कहाँ पे है, फोन पे है, तो सुबह पेशेंट चोट आपके लग क्लिनिक में चुकी नहीं है, था, नहीं ना सर, पेशेंट एट होम। ओके, फोन पे है ना सर, चोट सुबह लगी थी, सारा दिन अम्यूजमेंट पार्क में रुके रहे, टीम के पास रहे, फर्स्ट एड जो टीम थी उनकी, रेस्क्यू टीम थी, उनके पास ही रहे, फैमिली के साथ भी नहीं गए, वापस रिजॉइन नहीं किया, लेटे रहे उधर, लेटे रहे, ही सेड आई कैनॉट गेट अप, अब अभी दे आज प्रोबेबली दे वॉन्ट हैव आस्क्ड हिम टू हॉस्पिटल, देखो पेशेंट ऐसा कभी रुकता नहीं है, एमरजेंसी का केस सुबह से शाम तक किसी अम्यूजमेंट पार्क के फर्स्ट एड वार्ड में नहीं पड़ा रहेगा, तो वो खुद ऐसा ही भी हो उनको सकता है ही आपको डोंट दौड़ा देंगे, यस वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे फैमिली मेंबर्स को। व्हाई आई शुड डिस्टर्ब अदर्स बिकॉज ऑफ मी, एक ऐसा भी एक फीलिंग आता है। हाँ ठीक है, अपने को वो आ गया सेंसेशन पार्ट में, वो फीलिंग पेशेंट क्या फील करा, अभी अपन ऑब्जर्वेशन पार्ट पे ही चल रहे हैं, मैं कहाँ पे थी, एनेटॉमिकल क्वाड्रेंट, यहाँ पे इस एरिया में हमें क्या क्या दिखाई देता है, इस एरिया में हमें क्या क्या दिखाई देता है, व्हाट इज दिस एरिया एनेटॉमिकली, यहाँ क्या क्या रहता है, थोरेसिक मसल्स, रिब लंग, केज, पैरेन्काइमा, टेंडोन, हाँ, ठीक है, थोरेसिक केज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, मैं थोड़ा पिक्चर्स को भेज रही हूँ, उनको शेयर करवाऊंगी, सब व्हाट्सएप किया है, जी मैम, सब व्हाट्सएप किया है, तो एक एक करके स्लाइड शेयर कीजिएगा, जी, एक बार विजुअल दिखा के फिर केस में एंट्री ले लेंगे, विजुअल दिखाएंगे तो इन लोगों का दिमाग चलेगा, हाँ बोलो भाई, आप लोग बोलो, इस एरिया में क्या क्या आता है, लंग्स आता है, हार्ट आता है, तो लंग्स और हार्ट, लेकिन चोट लंग्स में लगी है क्या, हार्ट में लगी है क्या, नहीं चोट कहाँ लगी है, नो मैम, चोट कहाँ रिब्स, लगी है, इंटरकास्टल रिब्स, रिब पे, रिब्स इंटरकॉस्टल, पे इंटरकॉस्टल, इंटरकॉस्टल लगी, रिब्स भूलना एंड नहीं, मसल्स पे। हाँ देखो ये कौन सा एरिया है, ये ऐसा एरिया है जो ना बैक है ना फ्रंट है, ना ये मेरा पीछे का पार्ट है, ना ये मेरा आगे का पार्ट है, ना ये एंटीरियर है, ना ये पोस्टीरियर, बट ये लैटरल है, लैटरल, लैटरल पार्ट किस तरह का रहता है, अब होम्योपैथी में एंट्री मारो यहां से, नाउ एंटर द होम्योपैथी पार्ट, व्हाट डज द लैटरल पोजीशन ऑफ थोरासिक रिब केज इट कैन मीन फॉर अ पेशेंट, पेशेंट को वहां ट्रॉमेटाइज हुआ है, पेशेंट को चोट लग गई है, सर में चोट लगी तो अपन क्या लेते हैं, अगर हेड में चोट लगती है तो हम क्या लेते हैं, हेड इंजरी, यानी किसी हेड ने उसको दिखाया दुखाया है, उसके हेड ने। हाँ है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट लेते हैं ना, तो ये लोकेशन के हिसाब से ये पेशेंट का क्या कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, अभी होम्योपैथी में एंट्री लो, बट बिफोर दैट सर अभी स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, वी विल सी कि इंजरी कहाँ हुई है, तो वेन एवर पेशेंट कुछ बोले, पेशेंट ना बोले, फर्स्ट थिंग चेक वेयर द इंजरी हैज हैपेंड, बिकॉज पेशेंट मे स्पीक अदरवाइज और रिलेटिव्स मे स्पीक अदरवाइज, बट वी हैव टू कंफर्म, बॉडी डजंट लाई,
दैट्स व्हाट प्रोफेसर यूज्ड टू से, माइंड में लाए बॉडी विल नॉट लाए. ओके. सो थोड़ा सा कृपकेश का कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, जब तक फोटोज आते हैं विल डिस्कस दिस. थोड़ा सा नजदीकी कृपकेश. लोगों ने इसे कुछ तो दिखाया दुखाया अच्छा क्यों, लेकिन नजदीकी लोग, हम लोगों तक आए हार्ट के कैसे? हार्ट क्लोज है, हार्ट के के क्लोज क्लोज है. है, अपने दिल से, दिल के बहुत करीब है जो लोग। नॉट एग्जैक्टली. दिल के कहाँ करीब है, दिल तो सामने आ गया. थोड़ा सा तो देखो, हार्ट तो अंदर है ना, हार्ट तो अंदर एनक्लोज्ड है, चोट तो बाहर बाहर ही लगी हुई है. हार्ट तक कहाँ चोट गई है? लेफ्ट साइड में है ना चोट? लेफ्ट में है. यस यस लेफ्ट में है. तो लेफ्ट में दिल के करीब, तो लेफ्ट में दिल के करीब वाले कौन से पार्ट होते हैं? एक मैम ने आंसर दिया है, अच्छा आंसर दिया है. किडनी, जी लेफ्ट स्टैंड फॉर, लेफ्ट स्टैंड इमोशंस, फॉर मदर एंड चिल्ड्रन. ओके, लेफ्ट मदर एंड चिल्ड्रन, स्टैंड फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, वेयर एज राइट स्टैंड फॉर राइट पार्टनर, बिजनेस। पार्टनर एंड बिजनेस. तो अब लेफ्ट साइड में चोट लगी है, इंटरकॉस्टल मस्कुलर एरिया है थोरैसिक रिब केज का. थोरैसिक रिब केज का फंक्शन क्या है? ओवरऑल मोटा मोटा फंक्शन थोरैसिक रिब केज का क्या है? ब्रीदिंग, ब्रीद यस प्रोटेक्शन ऑफ इनर यस डेलिकेट यस. वन प्रोटेक्शन, टू ब्रीदिंग, थ्री प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स। प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स. चलो ब्रीदिंग ब्रीदिंग डिस्कस करते हैं पहले. कैसे करता है थोड़ा सा रिब केज ब्रीदिंग, कैसे करता है? हु हेल्प्स थोड़ा सा केज टू ब्रीद इन एंड मैम ब्रीद आउट? मूवमेंट करके, मूवमेंट हाँ जी, करके मूवमेंट करके. प्रवीण सर, ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं है आपके व्हाट्सएप में, स्क्रीनशॉट्स मतलब इमेजेस. जी मैं करता हाँ हूँ, जी कर दूँ मैं अभी शेयर। ठीक है ठीक. हाँ, कर दीजिए सर, डिस्प्ले कर दीजिए. अपन ये करके फिर होम्योपैथी में एंट्री करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारा रेमेडी डाला ना, डीडी भी करने में टाइम जा सकता है. यही वाला शेयर करना है जो अभी किया है? जी 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 यस सर जी यस सर. ठीक, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इमेज, दिख रहा है सर? यस ग्रुप में भी डाल दीजिए. तो यहाँ पे आपको क्या जी। दिखाई दे रहा है, इस एरिया का, इस एनाटॉमी का आपको क्या इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है? व्हाट कैन यू सी सर? नहीं दिखाई दे रहा है, ग्रुप में डालिएगा, जूम इन करके देख लेंगे. क्लियर नहीं है। डाल दिया। मैम ग्रुप में चेक कीजिए, बड़ा फोटो है, दिखेगा. क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? व्हाट कैन यू सी? आप मसल्स का नाम बोलेंगे? हूँ मैं विजिबल हूँ? हेलो, एम आई विजिबल? यस मैम, यस। हाँ जी ठीक है, चलिए देखते हैं. तो ये पेशेंट ने भी ऐसे ही हाथ ऊपर ऊपर उठा रखा है, दिखाई दे रहा है कौन से मसल्स हैं? कैन यू रीड द नेम्स? ट्रेपेजियस, ऊपर है, चोट कहाँ लगी है? ट्रेपेजियस, लैटिसिमस डॉर्साई मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, करेक्ट? सेराटस एंटीरियर। और एक मसल है सेराटस एंटीरियर. वेरी गुड. तो यही केस है, यही जिस्ट है और यही केस है और यही माइंड है. आर यू लिसनिंग?
यही माइंड है. द सेराटस एंटीरियर इज द माइंड ऑफ पेशेंट, लैटिसिमस डॉर्सा इज द माइंड ऑफ पेशेंट, एंड एक्सटी दिस नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इज द माइंड ऑफ द पेशेंट. कैसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज थ्री मसल्स? चलो ठीक है, इतना ही, मुझे ये फूड मुझे आपको इतना ही देना था, ये काम हो गया. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्शन पे आती हूँ मैं. इतना इंफॉर्मेशन मुझे आपको फीड करना था, ओके? ये डेटा था, ये डेटा सबसे पहले अपने माइंड में छप जाना चाहिए. क्या है, चोट यहाँ पे लगी है, यहाँ पे मसल है, यहाँ पे नर्व है, यहाँ पे ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेटरी मूवमेंट के लिए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का फंक्शन कैरी आउट हो रहा है. सो इनहेल एंड एक्सहेलेशन फंक्शन इज बीइंग कैरीड आउट बाय दीज मसल्स, ओके? दिस इंफॉर्मेशन इज एनक्लोज्ड. This is the clinical information we are carrying because we are not having any subjective. This is the objective information we are having. We don't have any subjective information so far with us. Next point. अब क्या करेंगे? अगला point. Conflict. गिरा है ना? Conflict. अब पूछो. अब relative से पूछो. क्या हुआ था वहां पे? कैसे चोट लगी थी? तो कैसे चोट लगी है? चोट कैसे लगी है? हाँ, लेकिन कैसे कैसे क्या किया पेशेंट ने? पेशेंट ने अपनी वाइफ को खींचा. तो क्यों खींचा यार? तुमको तुम्हारी वाइफ का नेचर नहीं मालूम? तुमको नहीं पता वाइफ डरती है? पता ही रहता है ना अपने को. तो ये क्या था? व्हाट वाज दिस? मुद्दान के लो, मतलब जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, हो गया, स्पॉन्टेनियसली हो गया. लेकिन स्पॉन्टेनियस में क्या हुआ, ये पेशेंट का क्या माइंड बताता है? वांट्स पाइप्स कंपनी फॉर अमेजमेंट. अच्छा हाँ, कंपनी ले रहा है वो, अपनी अपनी वाइफ को आगे लेके जा रहा है कंपनी, ठीक है, मान सकते हैं इन अ वे. लेकिन ये पेशेंट के बारे में क्या बता रहा है? ये किस तरह का मूवमेंट है? अभी हम मूवमेंट पे कंसंट्रेट करेंगे. डोमिनेटिंग, जबरदस्ती खींच रहा है उसको, डोमिनेटिंग नेचर एक फेसेट लग ले सकते हैं. अपने को नहीं पता डोमिनेटिंग है कि नहीं, मालूम नहीं अपने को. लेकिन ये हुआ क्या है? देखो अब अपने को ध्यान क्या देना है, पेशेंट गिर गया. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल. फर्स्ट पॉइंट वॉज लोकेशन, एनाटॉमी, मसल्स, नर्व्स, रिब केज इन्वॉल्व. सेकेंड पॉइंट इज क्या हुआ. तो क्या हुआ, हो गिर गया, फॉल. फॉल जब होता है, इंजरी जब होती है, तो उसमें व्हाट इज द फिनोमेना इन्वॉल्व इन इट? व्हाट इज दैट सेल्यूलर फिनोमेना इन्वॉल्व इन इट? व्हाट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ बोन्स, ब्रेन, सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ ब्रेन? किसका काम है ये? नहीं गिरना कौन संभालता है? हम कहीं खड़े हैं, जा रहे हैं, इस चीज को कौन संभालता है? वाइल वॉकिंग, वाइल रनिंग, वाइल स्टेपिंग डाउन, ब्रेन में कौन सा पार्ट संभालता है? सेरिबेलम. सेरिबेलम परफेक्ट. सेरिबेलम साइट इज सेरिबेलम. सेरिबेलम अफेक्टेड है. अब सेरिबेलम अफेक्टेड है तो हमारे पास किस तरह के रूब्रिक्स आ जाते हैं? नाउ स्ट्रेट, अभी सीधा डाइव मारो होम्योपैथी में. अगर सेरिबेलम अफेक्टेड है तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? पेशेंट के साथ हो क्या रहा है? अब यहां से हमें पेशेंट का स्टेट ऑफ माइंड पता चलेगा, चाहे वो हमें बताए चाहे वो हमें ना बताए. मैं रूब्रिक्स पे आ जाऊंगी डायरेक्टली, बहुत इजी है, बहुत इजी है. लेकिन आई वॉन्ट यू टू ब्रेन स्टॉर्म अ बिट. मतलब पेशेंट एक्साइटेड होगा, पेशेंट हो सकता है, पेशेंट एक्साइटमेंट में हो सकता है, हो सकता है. और क्या हो सकता है? वाइफ को पकड़ा, वाइफ को पकड़ा, आगे गया, वाइफ नहीं साथ आई, वो गिर गया. गिरना क्यों चाहिए? तेरा आए नहीं आए, तू तू आ, तू मता, मैं क्यों गिरना चाहिए ना?
गिर क्यों गया? यहाँ कहाँ ट्रॉमा आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है ये? व्हाट इज ही डूइंग? यहाँ थोड़ा सा अपने को थॉट डालना है। देखो जो पानी है वो करंट आगे आगे जा रहा है ना? बॉडी को आगे मूव करने में कौन हेल्प करती है? लैटिसिमस डोर्साय। जो लैटिसिमस डोर्साय अपनी मसल है वो रिबकेज को आगे थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट को आगे करती है। आप कभी भी आप हाथ को ऊपर करो नीचे करो तो ये जो अपना रिबकेज ऊपर नीचे हो जाता है ना, ये इन मसल्स की वजह से ही हो पाता है। ओके तो ये पर्सन ने जब अपनी वाइफ को आगे खींचा, ये क्या कर रहा है? ये पानी के बहाव के हिसाब से अपनी वाइफ को आगे लेके जा रहा है। वाइफ नहीं आ रही है, वाइफ वहीं रुक गई है और ये गिर गया है। ये इसकी लाइफ सिचुएशन के बारे में क्या बता रहा है? अच्छा कीवर्ड दू, कोड दू? ये आगे जाना चाहता है, वाइफ पीछे खींच रही है इसको। अरे वाह, ये है आंसर, ये है आंसर। करेक्ट, ये बैलेंसिंग कर रहा है। दिस गाय, ये बेचारा जो उसका पानी का जो फ्लो है, जो उसकी लाइफ का फ्लो है, वो उसके साथ स्पीड अप करना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ उसका साथ नहीं दे रही है। और वो चाहता है कि उसकी वाइफ उसके साथ इस करंट को, इस स्पीड को, इस पेस को मैच करे। ये जो माइंड का फिनोमेना है, ये इवेंट अपने आप बाहर गढ़ देता है, मैनिफेस्ट हो जाता है इवेंट के फॉर्म में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल वो चल रहा है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली बाहर स्थूल जगत में वो इवेंट बन जाता है। दिस इज हाउ दिस क्रिएशन इज, एंड दैट इज वाई दीज इंटरनल करंट्स आर सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं स्थिर रहो, मध्य में रहो, स्थित रहो, स्थित प्रज्ञ रहो। क्यों रहो? क्यों रहो? क्योंकि बाहर भी मूवमेंट है और अंदर भी मूवमेंट है, और इसकी इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी आपकी बैलेंस निकल गया तो आप गिर जाएंगे, और इस बंदे के साथ में भी यही हुआ। तो दिस वॉज अ बैलेंसिंग एक्ट, दिस वॉज अ बैलेंसिंग एक्ट विच इज कैरीड आउट बाय सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में आ गया, सेरिबेलम एज यू नो, क्यों क्यों मैं ये कवर करती हूँ? क्योंकि लेयर सिक्स पे केस आया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे केस आया हुआ है। आई विल नॉट रिपीट अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेयर्स, क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला काम हमने मार्किंग कर ली कि अपना पेशेंट कहाँ पे खड़ा है। जितना हायर लेयर रहेगा उतना अपने को क्या रहने की जरूरत है? जितना हायर लेयर है क्या रहने की जरूरत है? अलर्ट अलर्ट रहने की जरूरत है। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी? इंजरी कहां पे आई थी? इंजरी कहां आई थी? इंजरी कहां पे आई है? मसल्स पे हाँ, वो क्या होता है? इंटरकॉस्टल व्हाट इज दैट? मसल, मसल। एंड मसल इज व्हाट लेयर? इंटरकॉस्टल इज व्हाट लेयर? कनेक्टिव टिश्यू, बोन, मसल, व्हाट इज दैट लेयर? वो तो पेरिफेरल हो गया ना, सेंट्रल नहीं हो गया, पेरिफेरल हो गया। एग्जैक्टली, तो वो थर्ड लेयर होता है। लेकिन देखो केस दिख रहा है थर्ड लेयर का, लेकिन निकला कहाँ का? सेंटर सेरिबेलम का, का सेरिबेलम का केस निकला, सेरिबेलम का है ना, हायर निकला केस। तो केस इतना सीधा नहीं है, केस इतना क्विक नहीं है। अपने सारे रेमेडीज इन सब लेवल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है? कोई भी रेमेडी हो, जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो इसका फ्रूटफुल रिवॉर्ड क्या मिलता है? कि इन नो टाइम वी लैंड अप ऑन द राइट रेमेडी विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग द केसेस, एंड दैट इज द ओनली राइट थिंग टू डू, इज गो स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकली। डोंट जंप, ये डिल्यूजन हुआ होगा, पेशेंट सीज हो गया होगा, पेशेंट अरेस्ट हो गया होगा, वी डोंट नो। हमें ऐसा इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं आया, जब तक ठोक बजा के नहीं आया लेना भी नहीं है। ठोक बजा के अपने पास में लोकेशन आया है, लोकेशन से अपन ने काफी इंफॉर्मेशन निकाल लिया, अपना 50% केस यहाँ पे सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। अब बाकी का काम, अब क्या बचा? अच्छा चलो, अब थोड़ा सा ब्रीदिंग को अपन वर्कआउट करते हैं कि भाई ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का हम होम्योपैथी में लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन, हाउ दिस गेट्स एक्सप्रेस्ड, हाउ वी कैन थिंक अबाउट लाइफ ऑन अ मेगा स्केल। स्केल क्या सोचेंगे? क्या
आपको। मैं सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, लेकिन अब मुझे चोट लग गई है, तो पहली चीज क्या हैम्पर होगी मेरी? ब्रीदिंग फास्ट होगा ना, फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स इंडिविजुअलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, फास्ट हो, स्लो हो, शैलो हो, जो भी हो, लेकिन ब्रीदिंग अफेक्ट हो गई है। बट व्हाट डज इट टेल, व्हाट इज ऑक्सीजन? इनहेलेशन क्या होता है? व्हाट इज इनहेलेशन? ऑक्सीजन अंदर ले लेते। हाँ हाँ तो ये अपने को पेशेंट की लाइफ के बारे में क्या बता रहा है? अगर नहीं मिला तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा ना। लाइफ थ्रेट तो क्या, क्यों क्यों ये नहीं ले पाए, इसका मतलब क्या चीज थ्रेटेंड है इसकी? क्या चीज थ्रेटेंड है इसकी? स्ट्रेट कम टू द पॉइंट, आंसर खाली में रखा हुआ है। चोट लग गई है, ये सारा जितना अपन ने डिस्कशन किया, ये पेशेंट ब्रीदिंग में ये चीज क्या दे रही है? ब्रीदिंग किस वजह से हो रही है? इंटरकॉस्टल मसल, क्या चीज हर्ट हुई है इस पेशेंट की? व्हाट इज बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड? इंटरकॉस्टल मसल ट्रॉमेटाइज हुआ है, तो क्या मतलब क्या ट्रॉमेटाइज हुआ है, लाइफ में क्या ट्रॉमेटाइज हुआ है? उसका लंग्स भी अफेक्ट हुआ है ना, जी सर, लंग्स लंग्स भी अफेक्ट हुआ ना फिर। नहीं ठीक है, उतना डीप में नहीं जाना है अपने को। लंग्स में गया तो फ्राइट में चला जाएगा, दिल अभी थोड़ी अपने को फंक्शन मालूम नहीं नहीं है फ्राइट में रहेगा, गया है कि नहीं, अभी नहीं मालूम, अपन बहुत बेसिक पकड़ के चल रहे हैं अभी, बहुत बेसिक। वो दिल खोल के साथ नहीं ले पा रहा है। दिल खोल के सांस नहीं ले पाएगा, दिस इज द आंसर। दिल खोल के सांस नहीं ले पा रहा, तो भैया इसको पूछो यार क्या हुआ तुम्हें, सांस कौन क्या लेते हैं हम अंदर? सांस लेते हैं अंदर, सांस कौन सी सांस लेते हैं? ऑक्सीजन, जो हमें लाइफ देती है, हमें प्राण देती है, हमें जीवन देती है। कौन है इसका ऑक्सीजन? पता लगा इसका ऑक्सीजन कौन है, इसकी ऑक्सीजन कैसे रुक गई या कैसे हर्ट हो गया, इसको ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो रही है, तो हु इज कॉजिंग ऑब्स्टेकल टू द ब्रीदिंग, दिस इंजरी? भाई तो हु हैज कॉज दिस इंजरी? हु हैज कॉज दिस इंजरी? वाइफ द फॉल, वाइफ द फॉल, वाइफ। ऑल। ओके, अच्छा वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। वाइफ, एंड वाइफ इज व्हाट? वाइफ, यहाँ वाइफ की रिप्रेजेंटेशन, लेकिन क्या ओनली वाइफ? अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये इमेज भेजने का एक रीजन है, क्या ओनली ठीक वाइफ? है, इस इमेज से आपको क्या पता चल रहा है, ये लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने देखी ऐसी लोकेशन चोट में? बहुत केसेस आते हैं क्या अपने पास ऐसी चोट के? चल पेशेंट चल या तो सामने से गिरता है या पीछे से गिरता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? चलो बताती हूँ, ये जो इंटरकॉस्टल एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे अंदर है अपने रिब्स, मतलब हार्ड पार्ट, फिर उसको जोड़ रहे हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, सो देर इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड देर आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ओके, टू टाइप्स ऑफ मसल्स आते हैं। देन दिस इज रिचली रिचली सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स। तो अगर हम नर्व सप्लाई देखते हैं थोरैसिक रिब केज का, तो देर आर 12 पेयर्स ऑफ थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स। कम होता है क्या 12 पेयर थोरैसिक नर्व्स का? मतलब नर्व रिच एरिया हो गया ना, कौन सा एरिया हो गया? नर्व नर्व रिच। रिच एरिया हो गया। इसका मतलब क्या है? कोई नर्व वाले रीजन में चोट लग रही है, इसका मीनिंग क्या हो गया? नर्व्स, नर्व्स, नर्व्स क्या बताती है आपको? डीप इंजरी, डीप सेंसिटिविटी, 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 सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी बताती है। एक एक ऐसा एरिया जो नर्व्स में रिच है, ऐसी जगह पे चोट लग गई है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन सेंसिटिव है। निकला होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन, मिला डेटा, मिला कि नहीं मिला? इफ यू डिसएग्री, फ्रैंकली डिसएग्री, आई डोंट माइंड, यू कैन क्रॉस क्वेश्चन इट। आपको केस समझ में आ रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, यहां से सेंसिटिविटी रूबरू का उठा। पॉइंट नहीं समझा मैम, ये सेंसिटिविटी का पॉइंट नहीं समझा मुझे। हाँ, सेंसिटिविटी का पॉइंट नहीं समझा सर। देखो, हमारा जो ये एरिया है ना थोरेसिक रिब केज का, ये कैसा एरिया है? जहां जहां पे इसको चोट लगी है, यहाँ पे आपको अगर मार दे तो आपको कैसा फील होगा?
बहुत चलो पेन्स उल्टे हाथ होंगे, से ही मार दे, बहुत पेन होगा। क्यों बहुत बहुत पेन होगा सर, क्यों बहुत यहाँ पेन होगा, बराबर वहां नर्व सप्लाई ज्यादा है पेन्स ज्यादा ना। का। हाँ, और यहाँ पे मसल्स का भी आप देखिए, तो यहाँ क्या बहुत जड़ी जड़ी मोटी मोटी मसल्स हैं क्या यहाँ पे, कि जाड़ापन कहीं नहीं थिकनेस दिख रही पतली है आपको? पतली पतली मसल्स नहीं है, ना, पतली मसल्स। डेलिकेसी नहीं दिख रहा आपको स्ट्रक्चर में? यस 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 ये स्ट्रक्चर डेलिकेट नहीं दिख रहा आपको? ये कितना यस यस वल्नरेबल पार्ट है बॉडी का। देखो स्कल यस को भी एक इतना मोटा स्कल दे रखा है, खोपड़ी को भी इतना प्रोटेक्शन दे रखा है, शोल्डर को इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है, हिप जॉइंट को इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है, लेकिन देन अपने बॉडी में ऐसे ऐसे पार्ट हैं जो बिल्कुल बेचारे हैं। ये उन विचारों में से एक आ हा, तो आर्निका दे दे क्या? शेल वी गिव आर्निका? है। नो आर्मी का तो बहुत ईगो वाला बंदा होता है। मजा आया केस में? डिड यू लाइक यस इट? यस डेफिनेटली। ये मजा था तो मुझे भी बहुत, बिल्कुल इंपल्स था यार, तू आर्मी का ले, घर जा, देखेंगे बाद में, बत्ती बुझा सो। मुझे भी यही था, लेकिन नहीं ना रश्मि, व्हाट आर यू डूइंग, कुछ हो जाएगा बेचारे को, सेरिबेलम पे केस पड़ा हुआ है, सुबह तो कुछ हो गया तो तेरे सर पे, यू गेटिंग इट? यस यस यस, एवरीवन इज विद मी। चलो यहाँ से रूब्रिक उठाओ फास्ट, अपन आगे जाएंगे, बहुत काम पड़ा है। रूब्रिक उठाओ जल्दी, कॉमन रूब्रिक है, बेसिक रूब्रिक है। इंजरी अरे यार, इंजरी विंजरी ले लिया, अभी हो गया वो सब, अभी अपन होम्योपैथी में आ गए, सेंसिटिविटी से एंट्री ले रहे हैं हम, सेंसिटिव टू पेन, ले सकते हैं, कैन टेक इट, यस क्लियर है? सर। ऑब्वियस ऑब्वियस चॉइस है, सेंसिटिव टू पेन, पुट इट इन योर सिंथेटिक रेपर्टरी, सेंसिटिव टू पेन, टाइप इट, रेपर्टोरियम रेडी कर लो, सेंसिटिव टू पेन। अच्छा, अब हम आर्नी का क्यों नहीं देंगे भाई? हम, मैं तो बोलती अभी भी आर्नी का दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते आने का, बोलो। चलो अब प्रॉपर केस पे आ जाते हैं। अब अपने को पता है पेशेंट गिर गया है, पेशेंट को उठाने आए, पेशेंट ने कुछ अपने आप उठने का कोशिश नहीं किया है। अब इसको थोड़ा सा, अब होम्योपैथिक माइंड चलाएंगे, नाउ वी आर आउट ऑफ दिस एनाटॉमी फिजियोलॉजी, है ना, जो बहुत जान पे आता है सबको। आरने का किसी का सपोर्ट नहीं लेगा। वो बोलेगा मैं खुद उठूंगा ऑडेसिटी की अच्छा वजह सर, से, अभी पुलिस ईगो की वजह सर ये बच्चों को जवाब देने दो ना, इन ये लोग कब दिमाग चलाएंगे। से। ओके 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 हाँ चलो बोलो भाई, बाकी लोग बोलो। फास्ट बोलो, टाइम मैनेज करना जी अपने को। ऐड कीजिए, जल्दी जल्दी डिपेंडेंट ऐड कीजिए जो भी आपके माइंड में है आप बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए देखो, प्रिंसिपल जितना मैम। सपोर्ट करेंगे, हाँ सपोर्ट जी, डिजायर सपोर्ट डिजायर, ठीक है, सपोर्ट का चक्कर तो है, लेकिन इतना फ्रैंकली सपोर्ट डिजायर, वी डोंट नो, वी डोंट नो सपोर्ट डिजायर। हाँ दिख रहा है, ऑब्वियस है, लेकिन ऐसा रूब्रिक है क्या सपोर्ट डिजायर? रूब्रिक अपने को वही उठाना है जो केस पे परफेक्ट लगे, इधर उधर बीट अराउंड बुश नहीं करना है, और सुपरफिशियल रूब्रिक अपने को नहीं लेना है, अपने को सोच समझ के सेंसिटिविटी पकड़ के रूब्रिक उठाना है। जैसे सेंसिटिव टू पेन ऑब्वियस आ गया है, आंसर सेंसिटिव टू पेन एवर्जेंट टू कैसा भी रूल आउट नहीं होता। हाँ यस आंसर, मैम, एंसरिंग एवर्जेंट टू आंसर। हाँ कैन बी, कैन बी, वी डोंट नो, वी डोंट नो, क्योंकि मेरी डायरेक्ट बात तो हुई नहीं, तो मैं कैसे लू ना, मुझसे तो रिलेटिव्स ही बात कर रहे हैं। ये तो मैंने अपना फीडबैक दिया कि पेशेंट ने मेरे से बात नहीं की। जनरली क्या होता है ना, गिर गिर जाते हैं तो पेशेंट बड़े लालायित रहते हैं बात करने के लिए, कि भाई हमें डॉक्टर से बात कराओ, मैं डॉक्टर को ये बता दूं, वो बता दूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिफरेंस कैन बी, कैन बी इंडिफरेंस, लेकिन इंडिफरेंस में अगर पेशेंट है भी मान लो, तो पेशेंट अम्यूजमेंट पार्क क्यों जाएगा इतना बड़ा फैमिली के साथ में? इंडिफरेंस की स्टेज तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी ना, बिफोर एन इवेंट हिट्स हिम, इट इज जनरली अ प्री प्रीकर्सर है ये, रादर देन आफ्टर इफेक्ट। मैम, इतने एज में भी उनको वहां जाना था और पानी में खेलना था, तो अम्यूजमेंट ले सकते हैं क्या?
मैम नहीं बोल सकते। देखो मैम, देखो ये क्या है, 60-year-old मैन है, बच्चे सारे बाहर रहते हैं, साल में एक बार आते हैं, फैमिली इकट्ठी हो गई, तो बड़े लोग खुश हो जाते हैं ना, फिर वो जाते हैं। और देखो, और एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि वो बंदा ना हॉस्पिटल गया ना वो वहीं पे रहा, वो फैमिली उधर खेल रही है, ये अपना अपने अलग कमरे में पड़ा हुआ है। ये एक सिचुएशन आपको क्या बताती है? इस तरह से की सोचो खुशी थोड़ा। चाहता है, फैमिली की खुशी चाहता है, केयरफुल चाहता हाँ, डजंट टू बॉदर हिज फैमिली। लेकिन दे फैमिली आर के साथ में नहीं है, बेड से फैमिली, उठ के नहीं आया वो बेड से उठ के। लेकिन देखो फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था ना कि वो फैमिली को वहीं के वहीं पकड़ता, चलो चलो अभी घर जाएंगे, अभी हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। ये बहुत वो लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझा रहे बहुत थे, उनको इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है। डिस्टर्ब वो नहीं करना चाहता था, फैमिली को वो डिस्टर्ब नहीं लोग करना चाहता था कि वो अपना एंजॉय, वो लोग जो मजा ले रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ले सकते हैं, ले सकते हैं, फैमिली को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ले सकते हैं। कंटेंट अच्छा, में था। अब एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, अब एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। अब ये कंटेंट में है, इनडिफरेंस में है, किसमें, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? इसकी एंट्री अगेन हमें वापस इंजरी की शक्ल देखनी पड़ेगी। तो इंजरी जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आया है स्वेलिंग, कंट्यूजन, रेडनेस। ये क्या बता रहा है? पार्ट इज कंफ्यूज्ड, द पार्ट इज रेड, द पार्ट इज वेरी वेरी पेनफुल। ये क्या बता रहा है? एंगर इंफ्लेमेशन, बता रहा है, एंगर बता रहा है, स्ट्रेट। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंटेंट में या इंडिफरेंस में है, एंगर में तो है वो। और जैसे कि माणिक सर बोले कि वो वाइफ को साथ लेके आगे चलना चाहता, लेकिन वाइफ नहीं जा रही है। समवेयर अपने को ये पॉइंट नहीं छोड़ना है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये जो थोड़ा सी केज है ना, यहाँ पे आपको सारा खानदान दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नर्व भी है, टेंडन भी है, कार्टिलेज भी है, इंटरकॉस्टल मसल भी है, करेक्ट? कितना सारा इंसर्शन है और कितने सारे मसल यहाँ इंसर्ट हो रहे हैं, यहाँ से कहीं तो जा रहे हैं, यहीं पे ब्रेकियल प्लेक्सस भी है, मतलब गुच्छे के गुच्छे। गुच्छा क्या बताता है? किसी चीज का गुच्छा क्या चीज को डिपेक्ट करता है? आवाज यूनिटी नहीं आ रही। एंगेजमेंट एंगेजमेंट है, मतलब स्टैग्नेशन, नहीं, गुच्छा, गुच्छा का, सप्रेस्ड गुच्छा मतलब यूनिटी, साथ लेके चलना है, ग्रुप 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 हाँ, ग्रुप 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 यस, सबको साथ लेके जाए, एक क्लस्टर ऑफ पीपल। ये एक इंसान के कान ही नहीं चल रहे यहाँ पे। ये लोकेशन देखो भाई, यहाँ पे सिर्फ बीवी का बात नहीं चल रहा, यहाँ सिर्फ बच्चे का बात नहीं चल रहा। ये एक मामला थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत टेंडर है और बहुत सेंसिटिव है और हिडन है। हिडन क्यों है? क्योंकि जब मैं अपना आर्म नीचे कर लेती हूँ तो सब छुप जाता है, सामने से नहीं पता चलता है, पीछे है, बैक स्टोरी, बिहाइंड द बैक, यू गेटिंग इट? अब इतना कहानी हमको मिल गया एक एक लोकेशन से। रूब्रिक में हम आए सेंसिटिव टू पेन, नेक्स्ट रूब्रिक हम क्या उठाना चाहिए? आर्निका क्यों नहीं लेना है? लेट्स गेट इनटू आर्निका नाउ। आर्निका में देखो, एलिमेंट फ्रॉम शॉक है, इंजरी है, इतना सारा मसल है, सारा तो है, सोरनेस है, इंटरकोस्टल है, हिल डुल नहीं पा रहा है, तो क्यों आर्निका नहीं लेना है अपने को? कौन सी रहता है ना, इगोइस्ट है ना मैडम, हाँ आर्निका इगोइस्ट है, कौन सी वो इगोइस्ट रहता है। है उसके कारण, वो जब गिरा तो ईगो के कारण अलग बिहेवियर होता उसका। और आर्निका इतनी पब्लिक आ रही, अप्रोच, आर्निका अप्रोच को रिजेक्ट करता है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम अप्रोच ऑफ पर्संस। इतना पब्लिक आ रहा है तो चला जाएगा साथ में उठ के, डिलीरियम, बेड इज हार्ड, सारा दिन पड़ा रहेगा बेड पे। आया मुक्ति वाला भी सीन होगा उसमें। हाँ, डिलीरियम सेज डिक्लेयर वेल ही इज डिल्यूजन सिक, ही इज नॉट। आर्निका, आर्निका की चोटे बहुत फेमस हैं। आर्निका के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली आर्निका का कंफ्यूजन इस केस में आ रहा है। आप लोगों को आवाज क्लियर है कि डिस्टर्ब है? क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है आसपास। हाँ, बहुत बहुत डिस्टर्बेंस है यहाँ पे।
हमारे घर में और भी ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है बाजू में। अच्छा सर क्या पॉइंट चल रहा था आर्निका का? डेल्यूजन डिलीरियम, डिलीरियम चल रहा था आर्निका का, डिलीरियम चल रहा था आर्निका। देखो हम बैलेंसिंग थोड़ा समझते हैं, बैलेंसिंग को समझते हैं हम। आर्निका किस तरह के लोग होते हैं? आर्निका, आर्निका कहाँ उगता है? माउंटेन्स में उगता है, और माउंटेन में आप देखते हैं झाड़ियाँ, और उन झाड़ियों को आप जितना कुचल कुचल के जाएंगे ना, वो उतनी घनी होती जाती है। माउंटेन के प्लांट्स की एक खासियत होती है कि वो जितने जितने हार्श वेदर, जितने हार्शनेस उनके पास आती है, जितनी एडवर्सिटी से जाते हैं, वो उतनी ही स्ट्रांग होके आगे निखर के आ जाते हैं, क्योंकि वो टॉलरेट कर जाते हैं उस चीज को। तो ये आर्निका होता है। बैलेंसिंग में आर्निका क्यों आता है? क्यों क्यों इंजरी को प्रोन है आर्निका, और किस तरह की इंजरी को प्रोन है? अब यहाँ पे हमने देख लिया ये वर्टिब्रल, ये स्पाइन के बाजू की इंजरी है, ये स्पाइनल इंजरी नहीं है, या ये सेरिब्रल इंजरी नहीं है। तो आर्निका इज अ डीपर इंजरी, आर्निका इज अ डीपर इंजरी। अगर ये चोट मान लो ठीक इंसर्शन के मसल पे ही लगी होती, या टेंडन के ही इंसर्शन पे लगी होती, तो ये केस इट गोज मोर टुवर्ड्स आर्निका। आर्निका की एफिनिटी वैसी है। ओके आर्निका की एफिनिटी आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? आर्निका का सेल्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? छोटा मोटा नोट्स निकाला था मैंने, निकाल देखिए। हाँ, आर्निका पेन्स आर मोर टेंडिनस देन मस्कुलर। आर्निका टफ है ना, आर्निका टफ है, तो उसकी इंजरी इज मोर इन टू द टेंडन पार्ट। कहीं से भी कोई भी आर्निका का इंजरी रहेगा, आप देखना उसमें टेंडिनस इन्वॉल्वमेंट रहेगी, क्योंकि जहाँ टेंडन रहता है वहीं नर्व्स का पूरा पुच्छल रहता है। ओके सो फॉर एग्जाम्पल इंसर्शन ऑफ टेंडो अचाइलिस, एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रेपीजियस, ऑक्सीपिटल इंसर्शन ऑफ ट्रेपीजियस। अच्छा आर्निका की और एक खासियत है कि आर्निका जब, क्योंकि इतनी डीप इंजरी है, तो इसके साथ में आपको और एक चीज़ मिलती मिलती है। क्या मिलती है? एक्स्ट्रावर्जेशन ऑफ ब्लड, हीमोरेजिक कैपिलरी बर्स्ट। अग्री, अग्री और नॉट? यस यस। अब सबसे बड़ा डिफरेंस पे आ जाते हैं अपन। अब सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये बताइए, आप जब पहाड़ पे चलते हैं तो आपके कौन से मसल्स काम करते हैं? व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन कौन से मसल्स काम कर रहे हैं? सिंपल आंसर है, देखो आप पहाड़ पे इनवॉलंटरी चढ़ते हैं या वॉलंटरी चढ़ते हैं? वाले, अच्छा अभी आवाज बंद हुई सर, कुछ तो बंद किया और फिर अब आवाज बंद हो गई हवा का। हो सकता है किसी का माइक चालू हो, उसने बंद किया हो होगा। सकता है, हाँ हो सकता है। तो वॉलेंटरी मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स ही आर्निका में अफेक्ट होती है। अब अपने केस में क्या अफेक्ट हुआ है? इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो कौन से मसल्स हैं? व्हाट टाइप ऑफ मसल्स दे आर? इनवॉलेंटरी। सांस पूछ के लेते हैं क्या? दिन हो रात हो सोए हो, जब तक मरते नहीं तब तक चलता है इनवॉलेंटरी। दिस इज अ वेरी की पॉइंट ऑफ रूलिंग आउट आर्निका। क्लिनिकल नोट लिख लीजिएगा, आर्निका जनरली अफेक्ट वॉलेंटरी मसल वेर ग्रेट विल पावर इज नीडेड। पीपल आर वेरी स्ट्रांग, वेरी कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर स्ट्रांग। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, लेकिन ये होगा, मैं करूंगा, आई विल मेक इट हैपन। दोज आर आर्निकास। और क्यों बीमार पड़ते हैं? कहीं पैसा लगाया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। एंड दे आर जनरली दे देमसेल्व्स आर द हेड, दे देमसेल्व्स आर द अथॉरिटी, एंड दैट इज वाई द सेरिब्रम इज मोर प्रोन। सेरिब्रल स्पाइनल, क्योंकि वो खुद सेंटर में है। दे देमसेल्व्स आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना? किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होना, और इन लोगों को जब फाइनेंशियल लॉस होता है तो ये आर्निका जैसी रेमेडी में आते हैं। अपना पेशेंट इस ग्रुप में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, अपना अपना पेशेंट किधर आ रहा है? हीडियस टाइप में आ रहा है ना, छुपा छुपा सा नहीं लग रहा है? जैसे मैं हाथ नीचे करूँ तो वो एरिया छुप नहीं जाएगा,
सेंसिटिव एंड रिजर्व लग रहा है। सेंसिटिव रिजर्व इस समय लग रहा है, अपने को नहीं पता पेशेंट रिजर्व है कि नहीं है, क्योंकि इतना इतना ही रिजर्व होता तो पूरी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क भी जाता कि नहीं, थोड़ा सा डाउट था, लेकिन गया है। चलो आर्निका ओवर, नाउ कम बैक टू द रेमेडी, रेमेडी वर्किंग आउट। हाँ तो एक हमको क्या मिला, सेंसिटिव टू पेन। नेक्स्ट अब आप रूब्रिक निकालो, इस पेशेंट ने क्या किया, वाइफ को सडनली मतलब आउट ऑफ नो वेयर इज पुलिंग हिज वाइफ इनटू द वाटर, इसको आप कैसे देखते हैं, व्हाट कैन यू टेक हियर, क्या लेंगे इसको? ऑब्स्टिनेसी, प्लेफुल। देखो कोई चीज नहीं, अपने को केस के पेस से मैच करना है, केस की रूह को पकड़ के निकाल के बाहर निकालना है। इतना ऑप्शन ऑप्शन वॉल्स के लिए कहाँ टाइम है भैया, ऑब्स्टिनेसी तो फिर सालों से चलती है, महीनों से चलती है, क्रॉनिसिटी में चला गया, ये तो अभी हो गया ना, देखते देखते हो गया। अपने को ऐसा रूब्रिक चाहिए जो अभी हो गया, धड़ाम से हो गया, बस हो गया। बोलो, बहुत सारा क्लू दे दिया है, लड्डू दे दिया, मक्खन दे दिया, बोलो अभी। अब्रप्ट, यस यस यस, अब्रप्ट अब्रप्ट अब्रप्ट, वेरी गुड, सेंसिटिव टू पेन, अब्रप्ट। नेक्स्ट ऑब्वियस उठाओ, टीम आई चले गए साथ में, व्हाट इज दैट, टीम आई साथ में चले गए, बोलो फटाफट, ये तो रोज पढ़ते हैं अपन। कैरी डिजायर, कैरी डिजायर, डालो तीन रूब्रिक, क्या निकल के आ रहा है, अब सिचुएशन पे गौर फरमाते हैं कि भाई साहब इन इनके साथ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है भैया, ये पेशेंट कर क्या रहा है, देखो सारी फैमिली आई हुई है, तीन रेमेडीज आएगा, तो एक बंदा बोलो कोई, मैम हाँ, चामोमिला, अर्सेनिक एंड लाइको, तीन रेमेडीज आ रही है, तीनों में से एक भी नहीं दिया मैंने। मेरी रेपर्टरी अच्छी है, वन गो में देती है, तुम लोग के रेपर्टरी घुमा रही है। बोलो कहाँ थी मैं, कुछ तो बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं, कैरी डिजायर टू बी कैरीड चल रहा था अपना, कैरी डिजायर, कैरी डिजायर में उसके बाद में, अच्छा कैरी डिजायर करके भी अपना रेमेडी अभी तक नहीं आया, हाँ नहीं आया है, क्यों, क्योंकि कुछ तो हुआ है ना, कांड कुछ तो हुआ है जो अभी तक सामने, तो हाँ उस असेसमेंट को मैं बोल रही थी। देखो सारी दुनिया आई हुई है, सारे घर के लोग आए हुए हैं, सारे रिलेटिव आए हुए हैं, और ये पेशेंट क्या कर रहा है, एक जगह जाके क्या कर रहा है, लेट गया है, शाम को भी वो लेटा हुआ है, क्या कर रहा है ये, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कर रहा है। जनरली हम कैसे होते हैं ना, अरे इतना दूर से लोग आए हैं, छोड़ थोड़ी सी मेरे को तकलीफ हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, बट एक ड्रामे के लिए सही खड़ी तो हो जाऊंगी ना मैं, एक आई विल पुट ऑन अ स्माइल, आई विल ट्राई इंटरैक्टिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये क्या है, फोन आ रहे हैं, लेकिन मुझे फोन आ रहे हैं, फैमिली के फोन आ रहे हैं, ये पॉइंट भी छोड़ो मत, ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल दरवाजे में खुद को बंद कर लिया है, नो, फैमिली इज कॉलिंग मी, पापा को दर्द हो रहा है, सुनो ना रश्मि, देखो ना ये तो हिल नहीं रहे, क्या है ये, तो ये एंजाइटी प्रोजेक्ट कहाँ से हो रही है फैमिली मेंबर्स पे, एक्शन से पेशेंट की, नहीं पेशेंट तो हिल ही नहीं रहा, रेस्टलेस होता तो फिर अपन दे देते ना, फ्लोर पे रेमेडी अभी तक आई नहीं है, कितना सारा रेस्टलेस रेमेडी डाल रखा है, फेगिंग कर रहा है, लैमेंटिंग, पेन अबाउट, हमें डिफरेंस तो नहीं है, लैमेंटिंग है, यस। देखो जब टीम आई तो मैंने क्या किया, जब मेरी टीम मुझे उठाने आई तो मैं पड़ी रही, भले ही मुझे वर्टिब्रल मुझे क्या बोलते हैं रिब केज में लगा है, लेकिन क्या मेरे में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उठ सकूं, ऐसा होता है क्या, इज इट पॉसिबल, मतलब मुझे सो फार आई बिलीव कि अगर अपने को गन वुंड भी लगाए तो भी हम कैसे, तो भी वी मैनेज टू गेट अप एंड वॉक,
मेरे को याद है कुछ तो एक बार मैं बाइक से रिएक्ट हवा में उड़ के मेरा भी रिब के छिल चुका था, बोन्स बाहर आ चुके थे ऑलमोस्ट, हथेली की बोन्स बाहर थी, एंड स्टिल आई गॉट अप, मैंने अपनी बाइक उठाई, पहले मैंने अपनी बाइक ठीक की, फिर मैं बाइक राइड करके फिर घर पहुंची, एंड नोबडी नोज कि मेरे को चोट लगी है, एक महीना लगा ठीक होने, नोबडी एवर न्यू कि मुझे चोट लगी थी, एक एक बेस्टी को पता था, वो बेचारी आती थी मेरे काम वाम करके जाती थी। तो आई बिलीव इतनी इंसान में जान होती है, बट ये क्या तो है, व्हाट वाइफ इज को दिस? पनिश करने के लिए लेटर रहे सॉरी, अर्सेनिक, वाइफ को पनिश देना चाहता था इसलिए दिन भर लेटर सोच आता, सकते हैं, सोच सकते हैं, वाइफ भी और जकड़ा क्या के उसके सोच सकते पास हैं, गई। और क्या सोच सकते हैं, एक्सपेक्टेशन मैम, अटेंशन पुअर चाहिए उसको, अटेंशन फीलिंग चाहिए। नहीं देखो ना, टीम आई है, टीम मुझे उठा के ले गई है, मैं कैरी होके चला भी गया, और मैं सारा दिन बेड पे हूँ, अब मैं शाम को वापस बेड पे हूँ, और सुबह मेरी टिकट है यार, सुबह मुझे गांव जाना है, सारा घर परेशान है, अरे तुमको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, कैन यू ट्रेवल टुमोरो, नो आंसर, कैसे, क्या टॉर्पर टेम्परामेंट है ये, नाटक कर रहे टॉर्पर क्या? ये बंदा, इंटरनल। ये बंदा अटेंशन को एंजॉय कर रहा है, आप इसको पकड़ो, हाँ यस, पैसिवली एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो साथ में इंप्रेशन ये दे रहा है कि मैं बहुत तकलीफ में हूं और तुम लोगों की वजह से हूं। आर्सेनिक आर्सेनिक क्लोजर बाय, वेरी क्लोजर बाय, मैंने नहीं दी आर्सेनिक, आर्सेनिक बहुत रेस्टलेस होता है मैम, मुझे रेस्टलेसनेस दिखाई नहीं दी पेशेंट में, आर्सेनिक बिना टॉसिंग टर्विंग के रहेगा ही नहीं, मर मैं तो बोलती हूँ आर्सेनिक का कैडेवर भी हिल जाएगा एक बार में इतना रेस्टलेस है ये मतलब आर्सेनिक ये एग्जैगरेशन पकड़ सकते हैं ना इसको, इसको ना सर मैं पकड़ूंगी कंसोलेशन एमलियोरेशन, अच्छा, उसको कंसोल ये किया तो अच्छा लगता है। एंजॉय कर रहा है, वो कंसोलेशन हो गया ना ऑटोमेटिकली मिल रहा है। यस इनडायरेक्टली, लेकिन कैसे कर रहा है, इनडायरेक्टली, अब डालो कंसोलेशन एमलियोरेशन एंड चेक व्हाट इज द ग्रुप ऑफ रेमेडी यू आर गेटिंग, एंड की रूब्रिक पे फिर हम आ जाते हैं, एंड देन विल फिनिश ऑफ द केस फास्ट विद डीडी। पल्सेटिला, यस पल्सेटिला पल्सेटिला, लेकिन अभी भी की रूब्रिक आया नहीं है अपने पास में, अभी भी पल्सेटिला दूं कि नहीं दूं, ऐसी दुविधा तो है ना, ऐसा क्या अपने पास घड़ा मिल गया अपने को कि पल्सेटिला देना ही है, कंफर्म कैसे करेंगे पल्सेटिला ही है, क्रॉस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कुछ। क्रॉस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो यहां मैंने क्वेश्चन पूछा और सबके सामने ही पूछा, उनको फोन पे ही पूछा, नहीं लेफ्ट साइड में चोट लगी है, कुछ तो हुआ है, बच्चों के साथ कुछ हो गया क्या, तो नहीं, आंसर करके थोड़ी देर बाद में मेरे पास 15 मिनट बाद में फोन आता है कि हाँ रश्मि कल बच्चों के साथ थोड़ा सा हो गया था, बस इतना बोल के मैं बाद में फोन करती हूँ, तो इतना कंफर्म आ गया मेरे पास कि नहीं भाई बच्चों के साथ तो कुछ हो गया था, ओके ओके, और इतने में फिर मैंने रेमेडी निकाल के दे दी, मतलब ये रूब्रिक मैंने उठाया यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने क्या पकड़ा, अरे तुम्हारा बच्चों के साथ कुछ हो गया तो तुम मेरे से तो बात करो ना, मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी डॉक्टर हूं ना, तो देर इज समथिंग, आप मुझे भी नहीं, आप मुझसे आंख नहीं मिला रहे हैं, कुछ तो हुआ है, आपकी फैमिली नहीं बता रही है, कुछ तो हुआ है, तो चलो आई वोंट कीप द सीक्रेट लॉन्ग, मैंने ये रूब्रिक लिया था टिमिडिटी बैशफुल ऑकवर्ड एंड, मैंने प्लेन ऑकवर्ड उठाया था एक्चुअली, जब प्लेन ऑकवर्ड उठाया तो ऑकवर्ड की लिस्ट में ये पड़ा था लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे बात करते 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 मुझे ये समझ में आया कि ये पेशेंट बैशफुल में एंटर कर गया है, टिमिडिटी तो है ही, टिमिडिटी ऐसे है कि वो मुझसे नहीं बात कर रहा है, यू नो वो मुझसे नहीं बात कर रहा है, कौन से मुंह से मुझे बताएगा, तो ऐसा कुछ हुआ है घर में जो वो मुझे नहीं बता रहा है, सो टिमिडिटी बैशफुल ऑकवर्ड एंड जब मैंने रूब्रिक डाला ये रेमेडी मुझे मिला, इन अंकल को हमने ये मेडिसिन दिया, 15 मिनट बाद में उनकी वाइफ का मुझे कॉल आया, एंड देन शी टेलिंग कि हाँ सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है कि कल हमको गांव जाना है, और गांव जाने के लिए मैंने, गांव जाने के लिए नहीं सॉरी, सब बच्चे आए हुए हैं, मेरे बच्चे आए हुए हैं,
और बच्चों के साथ में उनके भी, जैसे ननद के बच्चे, चाची के बच्चे, ऐसे सब रिलेटिव्स आए हुए हैं, बड़ा कुंब आया हुआ है। तो मैंने सब कपड़ा वगैरह, पैसे वैसे ऐसे मैंने अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके रखे बांटने के लिए, दे के आने के लिए। पर इन्होंने क्या किया कि कल गांव जाना है, उसमें से इन्होंने दो चार निकाल के सूटकेस में पैक कर लिए, तो बट बिना बताए पैक कर लिया। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये बोलते हैं कि तो क्या हो गया, मेरी बहन नहीं कुछ पहनेगी क्या, मेरी बहन के बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे क्या। तो यहाँ पे हर्ट हो गए ये लोग और बोले कि अरे आप दो, लेकिन आपको बता के करने में क्या दिक्कत आती है। यहाँ मुझे रूब्रिक मिल गया, डिसीटफुल एंड स्लाई, एंड द मोमेंट आई पुट इट, रेमेडी मैं ऑलरेडी दे चुकी थी, बट माई रेमेडी गॉट सीरियसली कंफर्म, सीरियसली कंफर्म, दिस वॉज प्योर पल्सेटिला केस एंड नॉट एन आर्निका केस। और अगर मैं आर्निका देती, ट्रस्ट मी, एक सेरिबेलम को क्रॉस करता, ये केस खराब होता। तो अंडरस्टैंड व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब आर्निका, समटाइम्स इट कैन बी वेरी क्रूशियल, समटाइम इट कैन बी वेरी वाइटल। डीडी कर लेते हैं, रस्टॉक्स, क्यों रस्टॉक्स नहीं है अभी, आप ही लोग बोलो, केस क्लियर है। मैडम, रेस्टलेस में ज्यादा मार्क नहीं था इसलिए। हाँ हाँ क्योंकि रस्टॉक्सा हैज टू टॉस अबाउट कॉन्स्टेंटली टू गेट रिलीफ, उसका 3 मार्क हैज टू टॉस अबाउट कॉन्स्टेंटली, तो रस्टॉक्स रूल्ड आउट। और आर्सेनिक भी वैसा ही है, ही इज ट्रिमेंडसली वीक बट स्टिल ही विल कीप रेस्टलेस एंड वाइनिंग। ये चीज अपने को इसमें पेशेंट में नहीं मिली है। यहाँ पे पेशेंट देखो समझो ये क्या कर रहा है, ये ना अपना कारनामा छुपा रहा है और ये गया है डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट में। अरे मेरी तो कोई इज्जत नहीं करता, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, एंड और फाइनली रेमेडी बचती है ब्रायोनिया। तो ब्रायोनिया क्यों दे, ब्रायोनिया तो ऑब्वियस सी बात है ब्रायोनिया नहीं देंगे। पहली बात, ब्रायोनिया के पास इतना टाइम है कि वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंचेगा। अम्यूजमेंट पार्क की फीस पता है, एक बंदे का इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, 1000 क्रॉस फीस रहता है यहाँ पे पर पर्सन, अनलेस एंड अंटिल सम कूपन और फ्री पासेस कहीं अच्छे क्लाइंट या कंपनी से मिले हुए हो तो। बट ब्राइनिया का आपको एक चीज याद रखना, जब भी अपना इंजरी का या कोई भी केस आता है मसल का आता है, तो आपको ब्राइनिया की इंजरी हमेशा पॉकेट्स में मिलेगी। पॉकेट्स इन द सेंस पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, साइनोवियल कैविटीज, आपको कैविटीज अफेक्टेड मिलेंगे। वाई? क्योंकि ये कैविटीज पॉकेट्स होते हैं, ब्राइनिया को पॉकेट भरनी रहती है ना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तरावट रहे, ड्राइनेस में जाता है ना, तो जैसे ही फ्लूइड सूखा ड्राइनेस में गया और फिर रिमेटिज्म पकड़ा या टाइफाइड पकड़ा या कोई सीरस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन पकड़ा। देखो कोई भी डबल लेयर कवरिंग, जहां दो कवरिंग है जो पॉकेट बना ले, वो ब्राइनिया के वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। क्लियर, गॉट इट, आई होप लेक्चर इज क्लियर। मैम वो थोड़ा यस, डिसेटफुल एक्सप्लेन कर दिए मैम, किसको किसको, और डिसेटफुल ले कैसे लिया था वो थोड़ा हाँ एक्सप्लेन कीजिए। डिसीटफुल 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 ऐसे लिया, उसने कपड़े रख लिए सूटकेस में लेकिन घर में नहीं बताया, डिसीट है ना ये। ओके वो बता भी तो सकता था ना, अरे अभी इतना सारा सामान है तो दो मेरी बहन के लिए भी ले लो, बोलने में क्या दिक्कत है, चुपके से क्यों रखना है, घर का ही सामान है ना, बच्चों को ही तो देना है। और डांट भी इसीलिए पड़ी उसको, ऐसा नहीं कि वो कोई किसी को भी देना नहीं चाहता, अरे दो ना, लिया ही तो है, बट बता के पैक करो मैम ना। सॉरी, कैसे लिए थे कि एब्रप्ट एब्रप्ट कैसे लिए थे? सर, एब्रप्ट उसका सबसे पहले तो टाइप ऑफ इंजरी पर से ही एब्रप्ट ले लिया एक हमने। का थोड़ा सुरेखा मैम आपका आवाज इको हो रहा है, ना सुरेखा मैम आप साइलेंट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ नहीं आता। नहीं, somebody is speaking but I cannot hear, बोलू एब्रप्ट कैसे लिया था। जी मैम, देखो एब्रप्ट पहले आप देखिए, अगर ये इंजरी को हम देखते हैं तो ये इंजरी एब्रप्ट टाइप नहीं दिख रही आपको, आउट ऑफ नो वेयर इट हैपेंड, आए थे एंजॉय करने, पड़ गए बिस्तर में,
इतनी बड़ी चोट लग गई, चोट तो लगी है, ऐसा थोड़ी है कि चोट नहीं लगी है और ड्रामा हो रहा है, नहीं, ऐसी जगह चोट लगी है जहाँ नर्व्स ही नर्व्स है, बहुत दुखा है, बहुत दिल दुखा है, दिल ऐसा दुखा है, ये देखो मेरी बहन के लिए मैंने दो कपड़े क्या रख लिए, इनको देखो, ये देखो मेरे घर वाले मुझे ही सपोर्ट नहीं करते, मेरे बाकी के सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, ये ऐसी कहानी है, माई सपोर्ट मैकेनिज्म इज नॉट सपोर्टिंग मी सो दैट आई कैन सपोर्ट माई सपोर्ट, मतलब एक्सटेंडेड सपोर्ट, ये सारी कहानी है थोरासिक रिब केज की लेटरल पार्ट। अब ये बात किसी को मैं कह भी नहीं सकता, सॉरी एक बंदा एक बार में बोलो। हाँ एब्रप्ट अचानक से ही तो होता है ना, नहीं नहीं बट मेरा वही बोलना है कि मोस्ट इंजरीज आर अब्रप्ट ना, मोर ऑफन देन नॉट। वी कैन नॉट से दैट मैम, नो मैम वी कांट से दैट। अभी जैसे आरडी का हमने एग्जांपल लिया, आर्नी का तो एब्रप्ट में मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, नहीं 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 जबकि नहीं, नहीं मैं कह रही हूँ फिजिकल इंजरीज, जैसे आप बोले ना कि कोई वजह थी अचानक से गिर गए, तो नो नो गिरना नो तो अचानक नॉट नॉट ही होता है ना। नॉट नेसेसरी, आप जब भी चोट का केस आएगा ना तो आप पूछेगा कि आप पहले भी गिरे हैं और गिरे हैं तो कैसे गिरे हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी के एक्सपीरियंस आएंगे। आई आई कैन टेल यू 10 डिफरेंट केसेस ऑफ इंजरीज जहाँ पे मुझे एब्रप्ट नहीं मिला। आप सिर्फ एक ऑकवर्ड रूब्रिक डालिए, आपको ऑकवर्ड रूब्रिक में इतना सारा सब रूब्रिक मिल जाएगा, हरीडनेस की वजह से गिर गया, डलनेस की वजह से गिर गया। गाइज आई कैन नॉट हियर यू एक्चुअली, तो मैं बोलती जा रही हूँ, नो वन आवाज बहुत इको हो रहा है, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, एब्रप्ट समझ में आया? जी हां मैम, यस यस मैम, ये एब्रप्ट है बिकॉज़ इट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर, सडनली हुआ है, धड़ाम से प्लान्ड नहीं हुआ है ये। देखो कोई समझो, फॉर एग्जांपल कोई कोई पैथोलॉजी चल रही है, समथिंग इज हैपनिंग सिंस डेज एंड इयर्स एंड इयर्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, फिर मैं गिर जाती हूँ, ये एब्रप्ट है क्या? इज इट एब्रप्ट? जी मैम। नो मैम, नो दिस इज नॉट एब्रप्ट। एब्रप्ट इज हट्टा कट्टा हेल्दी जवान भैया, खा पी के मस्त चुस्त दुरुस्त, और ये धड़ाम, ये क्या हो गया? अरे ये क्या है? ये एब्रप्ट है। एब्रप्ट हमको टेम्परामेंट में दिखता है, एब्रप्ट हमको इंजरीज में दिखता है, एब्रप्ट हमको किसी भी एब्रप्ट हम कहीं पे बैठ से वेरी फ्लेक्सिबल रूब्रिक, एक्चुअली इसको हम बहुत लिमिटेड यूज करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक मोर। प्लेटिना है एब्रप्ट, लास्ट मोमेंट पे सब चेंज कर देती है कि नहीं? हेलो एम आई ऑडिबल? राइट मैम। हाँ मैम, ये ब्राइनिया के लिए आप? हाँ जी जी, यस मैम, ब्राइनिया के लिए आपने बोला है ना, तो एक बार दोबारा से बता दीजिए प्लीज। सर मैंने ब्राइनिया का सेल एफिनिटी बताया, सेल्युलर एफिनिटी मैंने बताया, रस्टॉक्स और ब्राइनिया के जो स्प्रेन स्ट्रेन, रस्टॉक्स में क्या होता है, मेन तो स्प्रेन होता है, स्ट्रेन होता है। रस्टॉक्स क्या करता है, एक सिचुएशन में फंस गया, गार्डेड हो गया, स्टिफ पड़ता जाता है, स्टिफ पड़ता जाता है, खुद को विड्रॉ करता जाता है और फिर खुद को खींचता जाता है, खींचता जाता है और वो चला जाता है स्ट्रेन में, तो कोई भी चीज ओवरलिफ्ट करके फिर उसका जो भी इंजरी में वो जाता है, इट्स दिस इज नॉट एन एब्रप्ट इंजरी। अगेन जिसने पूछा कि सारे इंजरी एब्रप्ट होते हैं, देखो रस्टॉक्स की इंजरी देखो कैसी हो रही है, उस बेचारी रस्टॉक्स ने इतने दिन से डर में रह रहे के, डर में है, गार्डेड हो गई, स्टिफ पड़ गई, फिर उसका जब सारा अंदर का मांस मलीदा सब सूख गया, उसके बाद में फिर उसको इंजरी हुई है, चाहे वो रिमेटिज्म से हो, चाहे वो स्प्रेन से हो, चाहे वो स्ट्रेन से हो, दैट इज रस्टॉक्स इंजरी। सिमिलरली ब्रायनिया, ब्रायनिया का इंजरी कैसा है, देखो सबसे पहले ब्रायनिया का दिमाग कैसा है, ब्रायनिया का दिमाग फैमिली में है, इज ब्रायनिया फैमिली पर्सन? नहीं, नो नो, ब्रायनिया का दिमाग कहाँ पे है? बिजनेस, पैसा, बिजनेस, पैसा, पैसा, पैसा मैं किधर रखूंगा, मेरे पास पैसा है बट मैं रखूंगा कहाँ, पॉकेट में रखूंगा ना, पॉकेट, पॉकेट। ब्राइनिया के मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट्स आपको पॉकेट रिलेटेड दिखेंगे, सीरस सीरस मेम्ब्रेन्स, प्लूरल कैविटीज, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना पाउच, साइनोवियल फ्लूइड के पाउचेस होते हैं कि नहीं होते हैं,
एनाटॉमी का बुक खोलना आ जाके, नहीं तो फिजियोलॉजी का बुक खोलना, ठीक है? हेलो हेलो, यस मैम, हाँ, पॉकेट समझ में आया? जहां भी रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस की जरूरत पड़े वहां ब्रायनिया काम आता है। पहले ब्रायनिया पढ़ना, ब्रायनिया डिटेल में करेंगे अपन, बट पहले कैविटीज को पढ़ना, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल, लंग्स, और ब्रायनिया का फिजिकल फिजिकल पढ़ना। माइंड तो हम सब पढ़ते हैं, फिजिकल पढ़ना, आपको फिजिकल में ब्रायनिया में बार बार क्या पता चला, क्या दिखाई दिया वो बताना। अल्टीमेटली रूमेटिक पे आके ब्रायनिया रुकता है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट डिपोजिशन, बट देन अगेन द कीवर्ड इज डिपोजिशन, इट्स एन एक्यूमुलेटिव डिफेंस, साइकोटिक डिफेंस, फर्दर लीडिंग टू साइकोसिफिलिटिक डिफेंस, दैट इज डिस्ट्रक्शन। सो आई होप आपको केस समझ में आया, अच्छा लगा, वी आर डन हियर। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हाउ टू कोरिलेट द लेयर विद आईपीआर में, जो आपने केस में लिया था अभी, लेयर ऑफ चार्ट ऑफ लेयर ऑफ सेवन सप्रेशन ऑफ लेयर्स। हाँ हाँ, हाउ टू कोरिलेट विद आईपीआर, हाउ टू कोरिलेट विद आईपीआर, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जो डिसीज आती है शरीर में, हाउ टू कोरिलेट विद दिस, कि देयर इज अ लैक्यूना इन द पर्सन, सर थोड़ा जिस तरह से मैं ट्रॉमा का आपने एक्सप्लेन किया। हाँ जी हाँ जी, हेलो जी सर, ट्रॉमा का एक्सप्लेन किया आपने कि नर्व सेंसरी स्वेलिंग, हाँ हाँ, देन देयर इज अ पेन, हाउ टू कोरिलेट विद दिस आईपीआर। अच्छा, हाउ टू कोरिलेट इट विद आईपीआर, सर बताया ना अभी कहानी पूरी बताई ना आईपीआर की, ये सारा सपोर्ट मैकेनिज्म है ना इसका। नर्व्स इसकी सेंसिटिविटी हो गए, नर्वस रिच जो लोकेशन है वो सेंसिटिव एरिया है, तो मतलब पेशेंट सेंसिटिव है, जो ये जो पार्ट है ये डेलिकेट है, मतलब पेशेंट डेलिकेसी में है। नहीं तो कोई हार्ड पार्ट आपने देखा है, सोल्स थिकन हो जाते हैं लोगों के, हैव यू सीन, या फिर कॉर्न्स आ जाते हैं लोगों को, क्या है वो, दैट इज हार्डनिंग पार्ट। यहाँ पे हार्डनिंग दिख रही है कहीं आपको? नहीं, नहीं। तो लेकिन देखो, कोई चीज सेंसिटिव है, बट सेंसिटिव किसको रहेगी, सेंसिटिव टू इंटरनल स्टिमुलाई एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, करेक्ट? दो ही स्टिमुलाई रहेगा, एक इंटरनल स्टिमुलाई और एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई इज माई सेंसिटिविटी, माई रिएक्शन टू इट, जो इस पेशेंट ने दिखाया गिर के, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन, आईपीआर ना, डांटा ना उसको, शाम को बच्चों से डांट पड़ गई है, मम्मी से डांट, मम्मी मतलब वाइफ से डांट पड़ चुकी है, एंड देन ऑल दिस हैपेंड एब्रप्टली, ये सब प्लान नहीं था, ये सब तो हो गया, होके चला गया, एवरीबॉडी वाज कैजुअल अबाउट इट, कि ठीक है हो गया हो गया, किसी ने इतना ध्यान जान पे नहीं लिया, बट ऑल दिस हैपेंड विद द पेशेंट बिकॉज दिस रिमेन्ड विद द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट, हर्ट हो गया वो अंदर से। मैंने बैशफुल क्यों लिया, बैशफुल मैं नहीं सोच रही थी, पर मैंने लिया बैशफुल, और बैशफुल ने ही मेरा रेमेडी एक्चुअली कंफर्म किया है। ये बैशफुल मुझे नहीं मिलता तो मैं पल्सेटिला देने में फिर भी हाथ रोक के रखती, और मोस्ट प्रॉब्लम मैं आर्निका भी दे देती कि यार छोड़ आर्निका दे ना, पहले तो देखते, पहले इंजरी निपटाते हैं, बट थैंकफुली दिमाग ऐसा चला नहीं, बैशफुल पे अटक गई सुई, और अटकनी भी चाहिए क्योंकि पेशेंट वॉज नॉट फेसिंग मी। कोमेटोस थोड़ी था पेशेंट की डॉक्टर से बात नहीं कर सकता, बेहोश होके थोड़ी पड़ा था, अवॉइड कर रहा था, टिमिडिटी बैशफुल और ऑकवर्ड तो है ही ना, जहां फॉल आया वहां ऑकवर्ड अपने आप आ गया, और ये ऑकवर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बैलेंसिंग समझाया कि किस किस सिचुएशन में बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में क्या होता है कि आपकी लाइफ एक स्पीड पे कहीं जा रही है, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप उससे पेस मैच करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो भी आईपीआर है या जो भी आपका इमीडिएट सर्कल है या एनवायरमेंट है, वो आपको पीछे खींच रहा है, या तो पीछे खींच रहा है या फिर आगे खींच रहा है, बट सम काइंड ऑफ इम्बेलेंस इज हैपनिंग एंड दैट इज कॉजिंग कन्फ्यूजन ऑफ माइंड एंड द ऑकवर्डनेस। तो या तो आप स्टम्बल करेंगे या आप गिर जाएंगे, ज्यादा हर्ट है तो गिर जाएंगे, अभी विल पावर स्ट्रांग है तो सिर्फ स्टम्बल करके संभल जाएंगे। आया समझ में? Are you with me? Yes, ma'am.
यस यस मैम यस। चलो प्रवीण सर लेक्चर ओवर। बहुत अच्छा समझाया मैम, बहुत अलग तरीके से सोचने के लिए आपने हमें आज पढ़ाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओवर टू यू प्रवीण सर, वीडियो ऑफ करो। जी मैम। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रश्मि विशिष्ट मैम, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन था, और जिस मतलब प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से आज आपने अपना प्रोसेस बताया है कि केस टेकिंग में आप कैसे केस टेकिंग करते हैं, तो वो सच में जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड IHA फैमिली मेंबर्स ने आज का सेशन अटेंड किया है उनको बहुत हेल्पफुल जाएगा, ना सिर्फ इंजरी के केसेस में। मुझे लगता है कि केस टेकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन से क्लियर हुई हैं कि हमको कैसे रूब्रिक्स बनाना है, कैसे केस को समझना है, उसमें एंट्री करना है। तो हमारी IHA फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रश्मि विशिष्ट मैम का बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन के लिए, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHA फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत आभार आपकी सपोर्ट के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए। तो आज की इस शानदार VC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट VC। थैंक यू सो मच।